वास्तुशास्त्र में कई ऐसे नियम देखने को मिले हैं जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और घर में किसी न किसी व्यक्ति की बीमारियां खत्म नहीं होती है या फिर बीमारियां लगी ही रहती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम करने से बीमार पड़ते हैं, इसलिए घर में साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, इससे बीमारियां उत्पन्न होती है। ऐसा भी बताया गया है कि किचन में रसोई घर में गोली दवाई ना रखें, सिर के सिराने गोली दवाई ना रखें, इससे मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है और घर में हमेशा बीमारियों का वास बना रहता है। बीमारियां दूर करने के आइए पंडित जी से जानते हैं। नियम जी, बीमारियों का मुख्य कारण बताया गया कि मैं घर की दशा कि ग्रह की दशा कैसी है और अपना कार्य रोजमर्रा के जीवन के कार्य किस प्रकार है, उससे अनेक प्रकार के से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। परंतु मुख्य यहां पर वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया कि कुछ चीज़ें हैं जो नियम हैं वो नियम पूर्वक ही करना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर दिशा की ओर शीश कर कर के सोने से तथा सिर में दर्द आदि होता है और बुरे सपने आने का होता है तथा अनेक प्रकार से जो है कि रसोई घर में अपन अगर दवाई रखते हैं तो उससे बीमारियां वगैरह होती, रसोई घर में दवाई वगैरह नहीं रखना चाहिए और घर में अपने जो पादुका है चरण पादुका शूज वगैरह है वे एक तरफ रखना चाहिए हमेशा और उससे भी बीमारियां तथा नकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता से ही बीमारी उत्पन्न होती है। और उसी प्रकार यहां पर घर में जो वस्तु है सफाई करने की वस्तु वो भी एक और छुपा करके रखना चाहिए जहां पर व्यक्ति को न दिखे और गंदगी से बचना चाहिए। जो घर में अत्यधिक गंदगी होती है तो वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी से जूझता है, इसलिए कुछ मुख्य वस्तुएं हैं जैसे कि घर से बाहर निकलते समय सीधे सिर कर नीचे घड़ी नहीं आना चाहिए, वह भी उपाय कहा गया है, उसको वहाँ से हटा कर कहीं और लगा दिया जाए। सिर के ऊपर ताण ना होना चाहिए और शयन कक्ष में शीशा ना होना चाहिए। शयन कक्ष में शीशा होता है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसमें अपनी परछाई दिखती है तो उससे अपने शारीरिक बाधा उत्पन्न होती है, बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए मुख्य वस्तुएं हैं कि घर में बेडरूम में शीशा ना हो, रसोई घर में दवाइयाँ ना रखी जाएँ। तो इस प्रकार की अनेक वस्तुएँ हैं जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार निषिद्ध कही गई है। अगर ये गलत दिशा में रखी हो और गलत जगह बनाई गई हो तो उससे व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक व्याधि से पीड़ित होता है।